अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ फहीम आरिफ। ये अयूबिया नेशनल पार्क एरिया, तो ये पाइपलाइन ट्रैक अयूबिया साइड। ये देखें नीचे घना जंगल, सर्दी भी हो रही है क्योंकि यहाँ पे सूरज की किरणें आ नहीं रही, धूप लग नहीं रही, बिल्कुल अंधेरे से अंधेरा होता जा रहा है। तो बड़ा सुना था मैंने इसका ट्रैक का, तो मेरा एक शौक था, तो करते हैं ट्रैक। ये देखें बड़े बड़े टॉल ट्रीज और ये घना जंगल। ये नीचे से ये देखें वो ट्रैक जा रहा है, लोग जा रहे हैं नीचे से। ये कौवा बड़ा शोर कर रहा है, डोडर कहाँ कहते हैं इसे लोकल लैंग्वेज में, ट्रां ट्रां ट्रां, क्योंकि जो पंजाब सिंध या नीचे मैदानी इलाकों के कौवे हैं उनकी थोड़ी सी वॉइस भी डिफरेंट होती है, और पहाड़ी कौवे डोडर कौवे इनको कहते हैं, तो इनका क्रौं 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 इस तरह। ये देखें बड़ी अमेजिंग वॉइस इस जंगल में एक खौफ की अलामत पैदा कर रही है, डरा रही है, ऐसे डरा रही है कि जैसे आगे कोई जन भूत है। चलो जी फड़ लेवांगे जन भूत, हाल ही तो सिया पे जन भूत बड़े हुए हैं, सर्दी के कुल बहुत ज़्यादा सर्दी है। ये देखें जी, ये एक दरख्त बिल्कुल जिसके पत्ते गिर गए हैं, टहनियाँ गिर गई हैं, ऐसे यू फोन के टावर की तरह लग रहा है। रश तो है यहाँ पे, लोग इक्का दुक्का आ रहे हैं जा रहे हैं। ये जी यहाँ से टिकट लेनी पड़ती है, तो देखते हैं कितने की टिकट है, फिर डिटेल शेयर करते हैं आपसे। जी अब ट्रैक पे चल रहे हैं जी, ये आ गया यहाँ पे, ये अडल्ट 20 रुपीज़, चिल्ड्रन 10 रुपीज़, फॉरनर्स 500 पर। तो ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं ट्रैक, ये आगे लिखा हुआ है, ये देखें जी अयूबिया नेशनल पार्क, डोंगा गली, डिस्टेंस 4 किलोमीटर। सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक ये ट्रैक खुला होता है। लेट्स इंटर इनटू द ट्रैक। ये जी ये ट्रैक में इंटर हो गया। ये लिखा हुआ जी हिस्टोरिकल एसेट्स हैं यहाँ पे, तो इनका आप काफ़ी ख्याल रखें, गंदगी ना करें, डस्टबिन बने हुए हैं जगह जगह पे। नीचे बहुत बड़ा आपको फॉरेस्ट नज़र आ रहा है, तो साइड पे ये बॉर्ड लगी हुई हैं ताकि कोई यहाँ से गिरे ना। तो ये देखें जी लोग भी आ रहे हैं यहाँ पे। ये एक दफ़ा फिर मैं आपको फॉरेस्ट दिखाऊँ। यस ऑफ कोर्स, ये जी ट्रैक, तो चलते हैं ट्रैक पे, आपको ट्रैक दिखाते हैं। मेरी बड़ी विश थी कि मैं इस ट्रैक को करूं, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है। मगरिब यहाँ पे आजकल सर्दियों में दिसंबर में ये 5:15 पे यहाँ पे अजान होती है, तो उससे पहले निकलना पड़ेगा। बड़ा खूबसूरत ट्रैक, और फेरी मीडोज़ का जो ट्रैक है उसमें, और इसमें ये है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट है। फेरी मीडोज़ का जो 8 किलोमीटर का ट्रैक है वो काफ़ी हेक्टिक है, उसमें आपको ऐसे ज़िगज़ैग की तरह ऊपर जाना है। ये तो हम इसमें बिल्कुल देखें ना कि स्ट्रेट जा रहे हैं, इसमें कोई थकावट नहीं होती आपको, ये डिस्टेंस आप बहुत जल्द इसको आप अचीव कर सकते हैं। कौवे ऊपर, पहाड़ी कौवे एक बड़ा दिलकश मंज़र जो है ना वो क्रिएट कर रहे हैं, अपनी जो इनकी साउंड है, जो नेचुरल इनकी साउंड है, उससे एक वो कहते हैं कि सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं, एक डर का सस्पेंस इस फॉरेस्ट में। और आप अकेले लाइक मी
एंड सर्दी बहुत ज़्यादा, देन जब आप फॉरेस्ट, डीप फॉरेस्ट में आप चले जाएं तो आपको अजीब सा फील होता है। तो ये आगे बने हुए हैं, अम्ब्रेलाज बनी हुई हैं कि अगर कोई बारिश वगैरह हो तो आप यहाँ पे बैठ सकते हैं बारिश से बचने के लिए। तो एक कपल मोस्टली यहाँ पे इस वक्त हनीमून मनाने के लिए कपल्स ही फिर रहे हैं अयूबिया में। गाहे बगाहे आपको बहुत से लोग नज़र आएंगे ट्रैक के ऊपर, कुछ कपल्स, कुछ बैचलर्स। ये देखें जी, ये बड़ा खूबसूरत, ये नेचुरल ब्यूटी, ये ट्री देखें, ऐसे लग रहा है कि जैसे अल्लाह का नाम हो। ये साइड पे अलिफ लाम 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 है, ये ऊपर तक टॉल ट्री। ये करीब से मैं आपको दिखाता हूँ, अलबदी इस पे लिखा हुआ है अल्लाह का नाम। ये नीचे देखें, ओ माय गॉड, ये जब बारिशें होती हैं तो ये पानी ने अपना रास्ता बनाया हुआ है ये ऊपर तक। ये टर्निंग पॉइंट इस ट्रैक का बड़ा गुड लुक, आगे एक बहुत बड़ा ट्री ऐसे नीचे गिरा हुआ है, बड़ा अच्छा व्यू क्रिएट कर रहा है। और इनके पत्ते झड़ चुके हैं क्योंकि खजां चल रही है, खजां, दिसंबर का महीना है। नीचे नीचे देखें आप, फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट। और ये, लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पे मंकीज नज़र नहीं आ रहे, जिस तरह पीछे बहुत ज़्यादा मंकीज थे, तो मंकीज इस तरह यहाँ पे हैं नहीं। बल्कि साथ मेरे एक वो एक गाड़ी थी तो उनका मिरर खुला हुआ था, तो एक मंकी मिरर गाड़ी के अंदर घुस गया और वहाँ से उनकी कोई एक दो चीज़ें उठा के बाहर भाग गया। तो अगर आप गाड़ी का शीशा खुला रखेंगे तो ये आपका मोबाइल भी उठा के लेके जा सकते हैं, अगर मोबाइल वहीं पर पड़ा होगा या कोई और चीज़ वैलेट आपका, तो फिर आप ढूंढते फिरेंगे, देखेंगे इस घने जंगल में मंकी को आप कहाँ से पकड़ेंगे। ये जी ट्रैक के ऊपर इस वक्त ये ब्रिटिश जो आर्मी थी उनके ये मॉन्यूमेंट्स, ये लिखा हुआ है रिप्लेक्स ऑफ आर्मी इंसीनियस एंड रेजिमेंटल बैजेस ऑफ ब्रिटिश रिजीम हिस्टोरिकल रिसोर्स ऑफ अयूबिया नेशनल पार्क। ये उनके साइंस हैं उनकी आर्मी के, ये देखें, ये यहाँ पे ये भी बने हुए हैं साइंस उसके। बड़ा एक ट्रैक के ऊपर एक अच्छा इन्होंने कि एक अच्छी अचीवमेंट है। नीचे आपको वो एक ट्री नज़र आ रहा होगा बिल्कुल, वो देखें ऑरेंज कलर का। ये जी एक वाटरफॉल है, इस वक्त तो बहुत ही रेयर, आपको लाइट साउंड एक आ रहा होगा वाटरफॉल का, ये यहाँ से इस वक्त गिर रही है, तो ये यहाँ से आ रही है ऐसे नीचे। तो ये ब्रिज इसके ऊपर बना हुआ है, तो यहाँ नीचे ये वाटरफॉल जा रही है। तो गर्मियों में ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, इस वक्त तो सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो चलते हैं आगे, ये साइंस। ये जी यहाँ पे 1 किलोमीटर कंप्लीट हुआ है, ये लिखा हुआ है डोंगा गली 3.5 किलोमीटर हाइट। ये ट्रैक के ऊपर ट्रीज आप देख रहे हैं बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं ऑटम सीजन की वजह से, और बड़ा एक अच्छा लुक दे रहे हैं। ये देखें आप, बड़ा बहुत ही अच्छा लुक इसका, ब्यूटीफुल ट्रैक। ये देखिए,
ट्रैक ने टर्न लेके, अब वहाँ से हम उस जगह से, उस पॉइंट से हम आए हैं यहाँ से। अब ये इस तरह, ये नीचे सारा आपको ये फॉरेस्ट नज़र आ रहा है। अब ये ट्रैक ने टर्न ले लिया है, हर 200-300 मीटर के बाद ये ट्रैक जो है ना, इसकी इसकी जो नेचुरल ब्यूटी है ना, ये टर्न ले रही है। ये इस साइड पे देखें, आपको व्यूज नज़र आ रहे हैं, कश्मीर की पहाड़ी सामने, जो कश्मीर की पहाड़ी नज़र आ रही है, उसके ऊपर स्नो भी नज़र आ रही है, ग्लेशियर्स, हल्के से ग्लेशियर्स हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्नोफॉल हुई नहीं। कि दूसरा ये कि उस साइड पे लाइट क्लाउड्स हैं, जिसकी वजह से पूरी की पूरी माउंटेन्स वो नज़र नहीं आ रही। अब फिर ये ट्रैक जो है ना, ये साउंड्स हो गया है ट्रीज़ के अगेंस्ट। पीछे बाइक आ रही है, एक मे बी ये बाइक इनकी हो, जो यहाँ के केयर टेकर हैं वाइल्ड लाइफ वालों के। ये आगे एक पॉइंट आ गया है, हट रेस्ट एरिया है, यहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हैं। कोई तकरीबन कोई 125 किलोमीटर के बाद ये आता है। पब्लिक टॉयलेट्स भी हैं यहाँ पे, ये अम्ब्रेलाज आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। ये नीचे देखें, पब्लिक टॉयलेट्स हैं और ये कैंटीन है। जी पाइपलाइन ट्रैक डिस्टेंस 3 किलोमीटर, ये आगे पाइपलाइन। ये एक और नेचर ब्यूटी, ये किसी परिंदे की आवाज आ रही है, ये देखिए बड़ी खूबसूरत सी इसकी साउंड। अंधेरा होने वाला है तो इस वजह से आगे मैं जा नहीं सकता, तो मजबूरन मुझे वापस पीछे जाना पड़ेगा।